हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस वाई जी बक्सर में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति से ग्रुप डी में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम लोग देखेंगे अब हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से कौन कौन से प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं ना, उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के इतना है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम मानते हैं कि एक खड़े पेड़, चलिए यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर क्या आपका है, ये पेड़ है, यहाँ पर पेड़ आपका है, मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा छोड़ यहाँ पर आपका आपका ये पेड़ है ना, ये आपका पेड़। ठीक है, अगर इसमें आपका पेड़ हो गया, कह रहा कि एक खड़े पेड़ की छाया जब है ना, कह रहा कि उसकी ऊंचाई के इतना है, यानी इसका छाया पृथ्वी पर बना हुआ ना, तो इसी पर बन रहा होगा ना छाया, है ना, इसी पर कहूँ यहाँ पर होगा आप इसका छाया बन रहा होगा। ठीक है, कह रहा ना कि इसकी उसकी ऊंचाई, कह रहा कि छाया उसकी ऊंचाई के इतना है, है ना, तो छाया इसकी ऊंचाई की इतना है ना, तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो छाया बन रहा है, तो कह रहा ना कि इसको है ना, अगर हम इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान ली बी, इसको क्या मानते हैं सी। ठीक है, यह है ना, इसको अगर हम मानते हैं पेड़ की ऊंचाई कितना मान ली एक्स मानते, ठीक है, यहाँ से चल गया एक्स, ये हो गया पेड़ आपका। अगर पेड़ की ऊंचाई एक्स मान ली हम, है ना, तो कह रहा कि उसकी छाया इतना है, तो उसकी छाया इतना है, यानी एक खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई कितना है, तो उसकी ऊंचाई कितना है, यानी ऊंचाई एक्स मान है तो कितना हो जाएगा ये, है ना, 1/√3x, ये तो होगा। तो कह रहा है इसमें ना, इसमें क्या कह रहा है, तो नयन कोण, तो नयन कोण क्या होता है, जब भी कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है और वस्तु द्वारा प्रेक्षक के आंख पर बनाए गए कोण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये वस्तु हो गया और प्रेक्षक हो गया, ठीक है, दोनों की है ना कि बीच की दूरी को हम लोग क्या बोले, क्या बोलते हैं उनको, दृष्टि रेखा, कौन सा लाइन हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या चलेंगे हम लोग, यहाँ पर थीटा मान लो, है ना, तो माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है, और छाया की लंबाई कितने मान लीजिए, है ना, करा कि ऊंचाई एक्स है, करा कि ऊंचाई के 1/√3 है ना, ये छाया हो गया, हमको निकालना क्या है, उन्नयन कोण थीटा का मान निकालना है, उन्नयन कोण निकालना आपको है, क्या निकालना है जी, उन्नयन कोण थीटा, ये तो निकालना है। चलिए अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, कहाँ चलेंगे हम लोग, चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न क्या है यहाँ पर है, चलेंगे हम लोग है ना, तो चलेंगे प्रश्न किस चलेंगे त्रिभुज ए बी, है ना, ए बी, यहाँ पर इसको सी मान लीजिए, है ना, चलेंगे ए बी सी से। अब देखते हैं ना, ये लंब हो गया, ए हो गया आधार, है ना, बताए ना कि थीटा के सामने को लंब बोलते हैं, इसके सटे वाला क्या बोलते हैं आधार, ए क्या हो गया आपका कर्ण, तो लंब और कर्ण है ना, सबको इसका मान एक्स है, इसका मान है ना 3/x है, तो दोनों में समान देखेंगे तभी तो थीटा का मान निकलेगा, तो लंब हो गया आधार हो गया, तो लंब आधार में किसका समान, टैन का, चलेंगे यहाँ पर क्या चलेंगे टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब आधार, है ना, क्या होता है लंब आधार, यानी क्या होता है लंब आधार, यानी पी बटा क्या होता है एच, लंब आधार यानी पी बटा एच, है ना, चलेंगे यहाँ पर, तो टैन थीटा बराबर लिखिए यहाँ पर, तो लंब का मान कितना है, यहाँ पर लंब ही ना हो गया, तो लंब का मान एक्स है, और यहाँ पर लंब बटा क्या होता है आधार, बी बटा पी बटा बी होता, ठीक है, बोलिए यहाँ आधार का मान कितना है, यहाँ पर आधार ही ना है, कितना है 1/√3x है। अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ चलिए यहाँ पर लेके, तो टैन थीटा बराबर लिखिए, अब ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया भिन्न के भाग हो गया, इसको गुणा में करेंगे क्या होगा, है ना, √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना, एक्स कहाँ चला जाएगा नीचे, क्योंकि 1x है, तो एक्स से कट गया, कितना बच गया आपका, तो टैन थीटा बराबर कितना बच गया आपका √3, क्या बच गया जी √3 बच गया ना, अब देखिए अब √3 किसका मान होता है,
टैन कितना कमान, तो टैन 60 कमान है ना, कितना कमान होता है टैन 60 कमान का असर चलिए ना देखिए आपस, तो टैन से टैन कट गया, यहाँ थीटा को कितना गया 60 डिग्री, तो थीटा ही तो आपका क्या मेन कौन है ना, तो उन्नयन है ना कितना होगा, तो उन्नयन को कितना गया आपका 60 डिग्री, इसलिए कितना गया 60 डिग्री है ना, यानी पेड़ का शीर्ष है ना, और है ना ये पेड़ का जो शीर्ष है और इसकी छाया की लंबाई है ना, शीर्ष के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री कोण है ना, तो कह रहा है इसमें उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, कितना गया आपका 60 डिग्री, ठीक है कितना गया आपके 60 डिग्री, आप चेक करेंगे अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना, इतना सा आगे ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ध्यान देना सर, कह रहा है कि रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको इतना कोण पर रॉकेट दिखाया था ना, जैसे यहाँ पर कोई रॉकेट उड़ रहा है, ठीक है जैसे यहाँ पर मानते हैं कोई रॉकेट है ना, कोई रॉकेट यहाँ पर है ना, कोई रॉकेट उड़ रहा है, ठीक है यहाँ पर रॉकेट उड़ रहा है, ठीक है और यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर ये इसे 3 किलोमीटर की दूरी का, इसमें जब 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई प्रेक्षक यहाँ पर खड़ी, ठीक है और इसको है ना इसका जो रॉकेट है यहाँ पर क्या हो रहा दिख रहा है, ठीक है ये रॉकेट है आपका है ना, तो कह रहा कि 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, यानी 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर क्या हो रहा आपको रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो रॉकेट ही ना है ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे हम लोग जी ए, इसे क्या मानेंगे बी, इसे क्या मानेंगे सी, से देखते हैं यहाँ पर, अब इसको हम क्या मान लेंगे जी रॉकेट की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे एफ, ठीक है ये क्या हो गया रॉकेट की ऊंचाई, रॉकेट की ऊंचाई हो गया ना, अब इतना दे दिया है हमको निकालना है, ये जब बताया थे कि कोण के सामने की भुजा लंब और इसके सटे भुजा आधार और बाकी बचिया जो कर्ण है ना, तो लंब आधार में टैन का समान, तो पहले यहाँ पर ऐसे करेंगे है ना, माना कि है ना, माना कि रॉकेट की है ना ऊंचाई बराबर एक्स मान लेंगे है ना, तथा बीसी की दूरी कितना 3 किलोमीटर, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है जी, ये आपका दिया हुआ है ना, और थीटा यानी उन्नयन कोण पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमको निकालना क्या चाहिए रॉकेट की ऊंचाई है ना, तो चलेंगे अब चलेंगे प्रश्न से, देखिए हम ये ऐसा क्यों बता रहे हैं ना, कंपटीशन लेवल का है लेकिन ऐसा बता रहे हैं ना कि जो टेंथ का बच्चा पढ़ रहा है ना वो भी समझ आएगा है ना कैसा बनता है ना किस प्रकार क्वेश्चन आता है ना, इसको इस तरह से बनाना चाहिए है ना, अब बनाते बनाते क्या होगा कि कोई छोड़ देना है फिर ये छोड़ देता है ना, डायरेक्ट क्या करना है आंसर कर देता है, ठीक है तो हम सब के लिए चल देख चलें, ठीक है तो चलेंगे प्रश्न से, तो लंब और आधार में समान टैन का है ना कितना होगा जी, टैन कितना डिग्री आ गया, टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है एक्स, आधार कितना है जी है 3 किलोमीटर, अब देखिए अब टैन 30 कोण होता क्या है, तो 1/√3 होता ना है ना, अब और कितना आ गया जी एक्स होता 3 आ गया, इन आ गया 3 किलोमीटर यहाँ पर, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे ना, 3 को यहाँ लाएंगे बस लगो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा एक्स बड़ा हो जाएगा आपका 3/√3 होगा ना जी, अब इसको क्या करेंगे परिमेयकरण कर दो, तो 3 से ऊपर गुना और 3 से क्या होगा नीचे भी गुना होगा, तो इसीलिए एक्स बराबर आपको आ गया 3√3, अब बटा कितना √3 × √3 √9 पता ना √3 × √3 √9 और 9 का वर्गमूल कितना 3, एक्स 3 से कट गया, एक्स का मान कितना आ गया √3, तो ये क्या आ गया, क्या आ गया जी रॉकेट की ऊंचाई, हम भी निकाल सकते हैं रॉकेट ऊंचाई क्या कीजिए है ना, कितना आ गया 3 आ गया ना, ये 3 आ गया कहीं लिख देंगे, ठीक है अतः रॉकेट की ऊंचाई बराबर √3 या 1.732 कितना किलोमीटर होगा, चलिए यहाँ पर ठीक है ठीक है हिम्मत नहीं आ रहा यहाँ पर, तो यहीं पर करते हैं हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये दिखाता हूँ, आता है
अतः रॉकेट की ऊंचाई बराबर, अतः रॉकेट की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, √3 किलोमीटर, या इसको हम ला सकते हैं पॉइंट में, तो कितना आएगा 1.732 किलोमीटर, है ना। या अगर इसको हम लाएंगे निकटतम मान, कितना आएगा 1.7 किलोमीटर, है ना। ये आपका आंसर ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना, सबका आंसर हो गया ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, है ना, तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ना, और है ना आपके अलावे और भी कोई पढ़े, है ना, बच्चे, तो क्या करना है आपको, है ना, अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों को पास क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर अच्छी शेयर कर देंगे ताकि वो भी क्या, है ना, वो भी बच्चे क्या हों, है ना, पढ़ सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, है ना, इसी ग्रुप डी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज हो गए 30 तक, कल चलेंगे हम लोग 31, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना, तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और है ना, जो भी आपका फार्मूला है, है ना, जब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखा रहे जहाँ तहाँ से, है ना, तो उसको क्या कीजिएगा कि एक बार नोट्स बना लीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, क्योंकि बार बार, है ना, बार बार क्या हो रहा है ना कि वो सूत्र आपका रिपीट हो रहा है, हर क्वेश्चन में क्या रिपीट हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर टाइम, है ना, पी बटा बी होता है, और टाइम कितना का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर सब, है ना, यहाँ पर देखिए आपको, है ना, पता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो, है ना, तो अगले वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।